consistently profit in the stock market in Hindi. नमस्कार दोस्तों, मैं profitwithsir.com के इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे रूल्स के बारे में, कुछ पांच ऐसे रूल्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, जिस रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मार्केट से, शेयर मार्केट से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप बना सकते हो, स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करवा कर करके पैसे नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ लोगों को शायद मैं गलत साउंड करूँ कि स्टॉक मार्केट से, वैसे तो काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना व्यू है। और वो मेरा ऐसा व्यू क्यों है ये आपको आगे चल करके पता चलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर करके स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, हाँ तो दिक्कतें होगी। और उससे देखिए, जिस चीज़ में दिक्कत होती है ना उसे लॉन्ग रन तक कंटिन्यू रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा प्रॉफिट कमाना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल आपको जिसे फॉलो करना है, राइट, बी अ सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट बनिए दोस्तों, कि जैसे कि किसी एक स्क्रिप्ट को पकड़ करके ट्रेड करिए। जैसे कि आज के दिन में हम लोग ट्रेड करते हैं, मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग मेरे ट्रेड करते हैं, मैं ट्रेड करता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि हम अपने आप को सुपर स्पेशलिस्ट बता सकते हैं कि आई एम क्रूड ट्रेडर। आप अपने आप को बना सकते हैं, आई एम बैंक निफ्टी ट्रेडर, आई एम अ निफ्टी ट्रेडर, या फिर कोई भी एक स्टॉक पकड़ लीजिए जिसको आप काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हो। सो इससे क्या होगा ना कि आपको आप देखिए दोस्तों, मार्केट में ऑलरेडी में ढेर सारा कन्फ्यूजन है। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो ऑलरेडी 11,500 कुछ स्क्रिप्ट है, किस में आप ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, कि इसलिए आपने देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियो, बेस्ट स्टॉक, हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, राइट। तो आपको पहले तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगाना चाहिए, आप उसका पूरा बैक स्टडी करते हैं। दोस्तों अगर आप इतनी सारी स्टडी करते बैठेंगे तो आप ट्रेड कब करेंगे? और जब आपको पता चलेगा, जब आप इतनी सारी स्टडी कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, राइट। तो सबसे पहली बात, आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाइए किसी भी एक स्क्रिप्ट को पकड़ करके, अगर आपको ट्रेड करना है तो, राइट। ये हो गया दोस्तों रूल नंबर वन। रूल नंबर टू है दोस्तों, डिफाइन योर गोल वेरी क्लियरली। दोस्तों आपका गोल वेरी क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मैं तो कहूँगा पानी की तरह साफ होना चाहिए। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग ड्रीम होता है, अलग अलग गोल होता है, उनको उस गोल को अचीव करने के लिए वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गोल आपका इतना क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको मार्केट से कितना पैसा चाहिए, आपको मार्केट से एक बड़ा अमाउंट चाहिए, जितना बड़ा अमाउंट आपको चाहिए उतना लॉन्ग टर्म तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा चाहिए, हर महीने अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपको आपका गोल क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। अमूमन ये देखा गया है दोस्तों, मार्केट से 5-10% पर मंथ कमाना बहुत आसान है अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ट्रेडिंग करते हुए। दोस्तों देखिए, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग आपकी इनकम को रिप्लेस कर सकती है। आप आज जो भी आज चाहिए, जहाँ कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, आज जो कुछ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा सा, तो आपके उस जॉब को, आपके उस बिजनेस की इनकम को ट्रेडिंग बड़े आराम से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अब लेकिन मैंने देखा लोगों का गोल ही यहाँ पर मैं क्लियर नहीं होता है। लोग आते हैं अमाउंट लेकर के, उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कितना अमाउंट कमाना है, ठीक है। 5-10% के ऊपर मैं फोकस नहीं करते, उतना परसेंटेज पर ट्रेड के ऊपर मैं फोकस करते हैं। तो वो ऐसा मत करिएगा, आपको 5-10% पर मंथ के ऊपर फोकस करना। अगर वो नहीं भी मिलता है तो भी चौके, आप 4-6 महीने में अपना रिजल्ट को टैली करिएगा, राइट। अपने गोल को क्लियर करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, राइट, अगर आज आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये उसका रिक्वायरमेंट है, राइट। आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आप, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए कंसिस्टेंट पैसा कमाना है मार्केट से, तो आपके सामने गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलिए आपको एक एक्सवाइजेड अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए आपके बिल्स पे आउट करने के लिए, आपको आपके रेगुलर खर्चे के लिए, आपको आपके घर में थोड़ी सी हेल्प हो जाए इसके लिए, उस 10,000 रुपीज़ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल के। दोस्तों क्या वो आपके पास में है? दोस्तों ज़्यादातर लोग किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इतना पैसा लगाया उस पर इतने परसेंटेज का रिटर्न मिल गया। और आप लोगों को ठगने वाले लोग भी काफ़ी सारे, खैर उन लोगों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे यहाँ पर। मैं रूल नंबर टू ये है
डिफाइन योर गोल वेरी क्लियर, राइट? सो दिस इज रूल नंबर टू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर थ्री. आर रूल नंबर थ्री इज मैनेज योर फंड प्रॉपरली. दोस्तों आपको आपके फंड को बेहद अच्छी तरीके से मैनेज करना है, भले ही वो स्टॉप लॉस लगाते समय हो, भले ही वो टारगेट्स लेते समय हो, राइट, भले ही वो या फिर वो किसी स्क्रिप्ट का चयन करते समय हो. मान के चले आज अगर आपने सेलेक्ट किया कि मुझे आज इस स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है, तो आप उसके कितने क्वांटिटीज लेंगे, आप कितना एक्सपोजर यूज करेंगे, आपको एक्सचेंज ने क्या एक मार्जिन दिया है, आप उसके अगेंस्ट में कितना मार्जिन रख रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा और बेहद वाइटल पार्ट है. इसके ऊपर में बात करने के लिए कोई भी ट्रेनर तैयार नहीं है, राइट? आपको आपके फंड को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. दोस्तों फंड मैनेजमेंट के ऊपर में काफ़ी सारे सेमिनार्स, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इसी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर में अमूमन ये देखने को नहीं मिलता. फंड मैनेजमेंट के ऊपर में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा श्योर नहीं. दोस्तों यहाँ पर मैं मार्केट में कोई भी श्योर तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है, राइट? सब सारी की सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंडेंट होती है, मार्केट बड़ा है, राइट? तो आप अपने फंड को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मेरे अकाउंट में अगर इतना फंड है तो मैं कितने लॉट से ट्रेड करूंगा. किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा, किसी परफॉर्मर की राय लीजिएगा, ना कि उसकी जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, राइट? तो ये हो गया दोस्तों रूल नंबर थ्री. आपको आपके फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार अगर आपका फंड चला गया ना, मैंने देखा अमूमन ट्रेडर्स 90 डेज के अंदर में उनका फंड वाइप ऑफ हो जाता है. दोस्तों जो भी कैपिटल से शुरुआत करते हैं पूरा का पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा, राइट? आपको इस बात के ऊपर में फोकस करना है. दिस इज रूल नंबर थ्री, मैनेज योर फंड वेरी प्रॉपरली. नाउ लेट्स कम टू आवर रूल नंबर फोर. रूल नंबर फोर इज दोस्तों स्टॉप लिविंग इन ड्रीम, गेट मैसिव एक्शन प्लान फॉर योरसेल्फ. दोस्तों आपको सपनों में जीना बंद करना है सबसे पहली बात, ठीक है? दोस्तों सपना वो नहीं है जो आपको नींद में आया, सपना वो है जो आपको नींद से जगाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? आपको सपनों में रहने देखा, स्टॉक मार्केट में जितने भी 95% ट्रेडर, जितने भी लोग फेल हो रहे हैं मार्केट में, इन्वेस्टर्स बोलिए, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करने के विचार में तो वो मल्टीबैगर ढूंढ रहा है, राइट? अगर कोई बंदा ट्रेड करने के विचार में, अगर ट्रेडिंग के बारे में अगर वो सोच रहा है, तो वो कोई ऐसा होली ग्रेल सिस्टम ढूंढ रहा है जो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दे. इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर में लोग फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगता है और ट्रेड करने के लिए पैसा बड़ा मिलता है, राइट? दोस्तों आपको सपनों में जीना बंद करना पड़ेगा. मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, ड्रीमर्स को नहीं. ड्रीम आप रख सकते हैं, लेकिन उस ड्रीम के लिए देखिए दोस्तों, कोई भी ड्रीम आप अगर मान के चले, अगर आप कोई बड़ा ड्रीम अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिएगा, बड़ा ड्रीम बड़ा सैक्रिफाइस मांगता है, बड़ा ड्रीम बड़ा टाइम मांगता है, बड़ा ड्रीम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिजेक्शन मांगता है. आप एक बात को सोचकर चलिएगा, अगर आपका ड्रीम अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको ढेर सारे रिजेक्शन आने. आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होकर के गए हैं, उनका ड्रीम बड़ा था, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं, काफ़ी सारे बेहद बड़े बड़े लेवल के सैक्रिफाइस उन्होंने किए. दोस्तों यहाँ पर मैं क्या होता है ना, हम लोग छोटे से ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर एक छोटा ट्रेडर ही होता है, वो आता है बड़े ड्रीम के साथ, और बड़े ड्रीम के साथ आता है, कोई एक्शन प्लान नहीं होता, फिर सामने वाला जो बोलता है उस तरीके से वो कर देता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, ड्रीम टूट जाता है, समझ रहे हैं आप? आपको आपके सपनों में नहीं जीना है दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए. मार्केट से पैसा कमाना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़े से मुश्किल काम करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा. दिस इज रूल नंबर फोर, स्टॉप लिविंग इन ड्रीम्स, गेट मैसिव एक्शन प्लान फॉर योरसेल्फ. दिस इज रूल नंबर फोर. एंड अल्टीमेटली माई रूल नंबर फाइव इज मास्टर ओनली वन स्ट्रैटेजी एंड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन. दोस्तों आपको एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर कर देना है. आप ट्रेड करें चाहे भले आप इन्वेस्टमेंट करें, एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करिए. मैंने आपको पहले ही रूल में कहा, मार्केट में शुरुआत ही में ही कहा कि मार्केट में ऑलरेडी में ढेर सारा कन्फ्यूजन है, आप और कन्फ्यूजन को बिल्कुल बीच में मत लाइएगा. देखिए आपको एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर में अपनी फोकस करना है, उसको मास्टर करना है कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करूंगा, भले ही कितना भी लॉस हो जाए, भले कोई कितना भी प्रॉफिट हो जाए, राइट, मैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं फोकस करूंगा. अब स्ट्रैटेजी बनाते समय क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्ट्रैटेजी से लॉसेज भी अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरे कैपिटल को वाइपआउट ना कर दे, राइट. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन. दोस्तों मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पेपर चेक करते हैं, पेपर ट्रेड कर लेते हैं, और पेपर ट्रेड करने के बाद उसे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस ही नहीं करते. दोस्तों पेपर ट्रेड करने में एक बात का यकीन मानिएगा, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेडिंग में, पेपर ट्रेड और वर्चुअल ट्रेडिंग में आसमान और पाताल का फर्क है, राइट. स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग करते हुए कंसिस्टेंटली, क्योंकि जहाँ पर मैं कंसिस्टेंसी की बात आती है वहाँ पर मैं आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे,
10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो जो ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक चल रहा है ट्रेडिंग के ऊपर में चल रहा है, स्टॉक मार्केट के ऊपर में, किसी एक चीज को पकड़ लिया आपने, कोई एक स्क्रिप्ट को पकड़ लिया, जैसे मैंने बताया पहले आप रूल नंबर 1 में आप सुपर स्पेशलिस्ट बन गए, सुपर स्पेशलिस्ट बनने के बाद आपने किसी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लिया और अब आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करो कि भले ही कुछ भी हो जाए, टीवी पर कोई भी न्यूज आए, मार्केट में कोई भी मार्केट नीचे का लेवल को टच कर जाए, मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में ही फोकस करूंगा। दोस्तों फोकसली फोकस करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं और यकीन मानिए वो रिजल्ट्स किसी मिराकल से कम नहीं होते। आप वो कर रहे हैं जो बाकी के लोग नहीं कर रहे, अगर आप भी वही करेंगे जो बाकी के लोग कर रहे हैं, पेपर ट्रेड करेंगे, चेक करेंगे, फिर बाद में दोबारा से आप अपना कैपिटल जमा करेंगे और फिर लगाएंगे, तब तक हो सकता है अपॉर्चुनिटी निकल जाए। दोस्तों आज जैसा मार्केट है वैसा मार्केट कल नहीं होगा, कल जैसा मार्केट था वैसा मार्केट आज नहीं है, आज जैसा मार्केट है वैसा मार्केट कल नहीं होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने आज पेपर ट्रेड किया, पिछले 3 महीने का अगर आपने पेपर ट्रेड किया, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि भविष्य में भी वैसे ही होगा, लेकिन हाँ एक क्योंकि मार्केट अपने ही पैटर्न्स को रिपीट करता है तो पेपर ट्रेड करने में टाइम वेस्ट ना करें। हाँ ये हो सकता है कि मान के चलिए अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है, आप 5-10 हज़ार से शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए दोस्तों, आप आपकी साइकोलॉजी को पेपर ट्रेड करते हुए बीट नहीं कर सकते। अगर आपको आपकी साइकोलॉजी को बीट करना है तो आपको वर्चुअल ट्रेड करने पड़ेंगे, फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, फोकसली फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों ये 5 रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने के लिए, मार्केट को समझने के लिए। दोस्तों किसी चीज़ से आप मतलब किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप उस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, राइट। और अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अपने रिजल्ट्स में तो दोस्तों सुपर स्पेशलिस्ट बनिएगा, एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करिएगा, अपने फंड को प्रॉपरली मैनेज करिएगा, सपनों में जीना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों यही बात आपसे कहनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लैपटॉप के ऊपर में या कंप्यूटर के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से आपको मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वीडियोस आपको दिख जाएंगे। कमेंट भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। इस लाल बटन को आपने दबाना है और इस लाल बटन को दबाने के बाद अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो ये बाजू का जो बेल आइटम है आपने इसको दबा करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पर डबल क्लिक कर करके आपने इसे सेव कर लेना। इसे होगा ये जब भी मैं जितने भी नए वीडियोज डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और अगर आप मोबाइल पर हो दोस्तों तो अपने मोबाइल के ऊपर आप मेरे वीडियो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसे आपने यहाँ से लाइक करना है, राइट, और इसे आपने इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, राइट। और अगर आप किसी ट्रेडर को जानते हो तो आपने ये शेयर का ऑप्शन जिसे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे जगह है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जीमेल पर मेल भेज सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में मैसेंजर कर सकते हो, राइट। मैं आपके लिए ऐसे ट्रूथ लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको और एक बार बताता हूँ, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में पहली बार आ रहे हैं उनको चीज़ें कुछ समझती नहीं होंगी, तो देखिए दोस्तों मैंने ना यहाँ पर मैं अलग से ये वीडियोस तो आपको यहाँ पर मैं दिखेंगे इस वीडियो के कॉलम में, लेकिन इसके अलावा मैंने और एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए प्ले लिस्ट, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्ले लिस्ट रहेगी, लाइव ट्रेडिंग की एक प्ले लिस्ट रहेगी और ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट की एक प्ले लिस्ट रहेगी। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है तो आपने इस प्ले लिस्ट में चल जाना और लाइव ट्रेडिंग देखनी है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो को तो आपने एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।